हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 इयर्स बेबी जंप सूट। इसके लिए आपको चाहिए 1/2 मीटर फैब्रिक। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज किया है। इसके लिए आपको इसकी लंबाई लेनी है 18 इंच और चौड़ाई लेनी है 15 इंच। इसके बाद इसे हम, ये डबल लेयर में है, ये आगे का पार्ट होगा, ये पीछे का पार्ट होगा, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम नेक के लिए कट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे, इसे यहां से हम ट्रायंगल शेप में मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कट करेंगे, ये हमारा नेक वाला पार्ट होगा। इसके बाद आपको यहां से इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इसे चारों साइड कर लेंगे, यहां इस साइड, दोनों साइड यहां पे स्टिच कर लेना है। यहां से फोल्ड करके साइड से स्टिच करने के बाद यहां पे नेक के पास ऐसे हमें फोल्ड करना है और इसे ऑलमोस्ट 1 इंच यहां पे होल जैसा आना चाहिए। और यहां से भी आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ये स्टिच हो चुका है, इसी तरीके से आपको भी स्टिच करना है। इसके बाद यहां से हम 4 इंच का फैब्रिक इसमें अटैच करेंगे। इसके लिए ये डबल लेयर है, इसके लिए आपको यहां से इसको अपोजिट और इसको भी अपोजिट साइड से यहां से स्टिच करना है। ये अटैच होने के बाद अब इसे हम यहां पे हमको इलास्टिक लगाना है। इसके लिए आप 11 इंच लेना है, नीचे से 11 इंच लेंगे, इसे मार्क कर ले। और यहां पे ये 8 इंच की इलास्टिक हमें लगाना है। इस तरीके से इलास्टिक को लगाएंगे, इसे फैलाएंगे और यहां से स्टिच करेंगे। इलास्टिक लगाने के बाद यहाँ पे प्लेट्स टाइप के हो जाएंगे जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम आगे और पीछे दोनों तरफ इसी तरह इलास्टिक लगा लेंगे। अब ड्रेस की फिटिंग करेंगे। इसके लिए दोनों को अपोजिट साइड रखें एक दूसरे के, इसे फोल्ड करें। और ये जो 4 इंच का जो पार्ट मैंने अलग से लगाया था, यहां पे आपको कट करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से स्टिच करना है, यहां से स्टिच करें, उसके बाद साइड से इसे स्टिच कर लें। ये फिटिंग हो चुका है। इसके बाद हमें लेना है 2 इंच का फैब्रिक, जो ये मैंने 25 इंच लिया हुआ है इसकी लेंथ। इसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करना है दोनों साइड से, इसे साइड से यहां से स्टिच कर लेना है। ये पट्टी की स्टिचिंग करने के बाद इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से हम यहां होल के अंदर यहां नेक साइड में डालेंगे। ये जंप सूट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना इजी है। इसे आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहां मैंने यहां ब्लैक कलर का पॉकेट लगाया है और नीचे ये सेम फैब्रिक मैंने यूज किया है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।